अच्छा ये नहीं, ये मेरी अलमारी है, ये मेरी दोस्त की लेजेंड्स की अलमारियाँ कुछ ऐसी दिखती हैं शायद, या गंदे लोगों की, लेकिन पता नहीं यार, दिल का जोर नहीं है कि मैं इसे साफ करूं। देखता हूँ अगर कुछ मिल गया तो। तो सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। एक है दुल मुश्का, दूसरा है आप बिन बिन पे जा सकते हैं, तीसरा मेरी तरह पैदल। तो यहाँ गेट में एंटर होने के लिए आपको, अगर आप साउथ से हैं तो यहाँ पे कार्ड लगाना पड़ेगा, अगर आप सुबह से हैं तो यहाँ पे कार्ड लगा, पर ये खुल जाएगा। जैसे कि मैं अपना कार्ड घर में भूल गया हूँ, तो बदकिस्मती से मुझे इस रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ये रहे बिन बिन, आप यहाँ से इनका कोड दे के चलो, इनका कोड स्कैन करके ये यहाँ से ओपन हो जाता है। ये इसका एक्सीलेटर वगैरह जो भी है उस पर आप चल सकते हैं, इसकी ऐप है। Well, this blue track is used for cycles and वही जो बिन बिन वो तो वैसे ही, हाँ स्पोर्ट्स फैकल्टी। ये जो मेरे पीछे है, इस जंगल की एक खास बात यह है इसका साया बहुत ठंडा रहता है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये रहा यूनिवर्सिटी का सारा मैप, और ये रहा यूनिवर्सिटी का लोगो। अब हम जा रहे हैं तोमर, वहाँ समी से मिलेंगे। तोमर क्या है क्या नहीं है वो वहाँ जाके ही पता लगेगा। यार क्लास अच्छी है तुम लोगों की वैसे, एसी भी है। खर्चे भाई खर्चे, हाँ हाँ यकीन करो यहाँ पे नीचे पैसे पड़े थे, हमने भी उठाए, इतने अमीर हैं हम, 200 के नोट फेंके हुए थे हमने, लेना वो। तो समीर से पूछते हैं कि तुमेर है क्या। समीर तुमेर की तारीफ, तुमेर का फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुमेर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तुर्किश लैंग्वेज क्लासेस यहाँ पे दी जाती हैं, सब कुछ पैसों के जरिए होता है, पैसे हैं तो आप नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो अभी तो बहुत हाई हो चुकी हैं प्राइसेस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तुमेर एक्चुअली है क्या। तुमेर में आ बिर से लेके जे बिर तक 5 क्लासेस होती हैं, 5 जो है ना एक किस्म की लेवल्स होती हैं, उसमें आप जाते हैं। आ बिर में आपको बेसिक सिखाना शुरू करते हैं, जे बिर तक पहुँचते पहुँचते आपको पूरी लैंग्वेज आ जाती है। तो तुमेर इज़ बेसिकली इंस्टीट्यूट वेयर यू लर्न न्यू लैंग्वेज, न्यू नहीं मतलब तुर्की लैंग्वेज, तुर्किश लैंग्वेज। सो दैट्स ऑल अबाउट तुमेर, एंड जो है मजे करते रहते हैं और कुछ नहीं है। तो ये रहा मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
जिसे टर्किश में मकिने मुहंदिसली कहते हैं। और ये रही हमारी वो चढ़ाई जिससे हम डर रहे थे, लेकिन माउंटेन ड्यू डर के आगे तो ये रहा कैफेटेरिया, जो कि अभी छुट्टियों की वजह से बंद है। और वो ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पे ये में खाने है, मतलब खाने की जगह है, तो अब सब कुछ बंद है क्योंकि यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं गर्मियों की। तो नेक्स्ट व्लॉग में जब ये ओपन होगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा। वेल, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं बल्कि सैटरडे और संडे अक्सर। और वो रहा साउथ एम, मतलब जो लोग एरास्मस पे आते हैं वो उस डिपार्टमेंट में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं। और ये छोटा सा एक कैफ़े, कुछ पानी शानी चाय वाय जो भी हो कर लेना। हाँ ना भाई, ये कोई आम जगह नहीं है। हमारे अकाउंट्स यहाँ पे है सारे। या अल्लाह इस बैंक की हिफाजत करना। वो एक एटीएम एग्जास का है, दूसरा मेरा। बिल्कुल, ये हमारा छोटा सा बाजार ही कह लो, लेकिन यहाँ महंगा बहुत है सब कुछ। यार मौसम बहुत जेंगो है यहाँ का। वेल, तो ये रही एक और कैफे, और वो रही हमारी लाइब्रेरी। वेल, तो लाइब्रेरी में कुछ ख़ास था नहीं, पर एक तो वहाँ पे आवाज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसके काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स हैं, लेकिन एक एक में चढ़ना और फिर एक एक को डिटेल में, बस एक फ्लोर जैसे है वैसे वो तीनों वैसे ही है। मना है। और दूसरा ये मस्जिद है, इसके अंदर चलते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई हो। बहुत सी चीज़ें मिस हो गई हैं, जैसे कि ये में खाना हो गया, कैफेटेरिया हो गया और काफ़ी कैफेज थे, लेकिन जैसे कि यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही है, सब कुछ बंद है, तो उस वजह से जब खुलेंगे, छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, तो वो भी आप देख लेंगे। लेकिन हाँ, ये थी हमारी यूनिवर्सिटी। वेल, दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। लेकिन चेक दिस आउट। I'm not your enemy।